Guys, this is me Saba, Sikander, and welcome to my Facebook live. अभी recording हमारी रीम शरीफ और रिशा शराजी के साथ हुई थी जो कि transgender community से थे. फिर इसके अलावा पहले सायरा हमदानी मौजूद थी. Now मेरे साथ जो मौजूद हैं वो हैं निशो खान. हेलो निशो. और मुकम्मल इंटरव्यू देखने के लिए एपिसोड देखने के लिए आपको ब्रंच विद क्रश को सब्सक्राइब करना होगा. सबा सिकंदर का चैनल है बेसिकली, वो सब्सक्राइब करें, ब्रंच विद क्रश को लाइक करें और फिर दैट्स ऑल. थैंक यू जी रहे साथ. चलो हुआ है, मौसम बहुत ठंडा है, बहुत सर्दी लग रही है, बट वी हैव टू शूट, काम तो करना है. दैट्स ऑल. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे, लश्पश होंगे, टिप टॉप होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे और ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे. एंड बहुत अरसे बाद मैं फेसबुक पे लाइव हूँ बिकॉज बिजी रूटीन चल रही थी, बातचीत नहीं हो पा रही होती थी और काफ़ी चीज़ें इर्द गिर्द कुछ प्रोजेक्ट्स थे जिन पर काम हो रहा था. उसी उन्हीं प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट जो आप लोग सब जानते हैं, ब्रंच विद क्रंच बाय सबा सिकंदर के नाम से, जो मेरा शो हम इंशाल्लाह जल्द ही लॉन्च कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं और गेस्ट मौजूद हैं. एक गेस्ट का हम इंटरव्यू कर चुके हैं, शोमाइला हसाम प्रोडक्शन देख रही हैं. इसके अलावा उनके गॉसिप्स चल रहे हैं. अभी जो हमारे नेक्स्ट मेहमान हैं, शी इज़ ऑन दी वे, हम उनका इंटरव्यू करेंगे. दो मेहमान आज हो रहे हैं, शोज रिकॉर्ड होंगे. लेकिन उन सब की अपडेट्स के लिए आपको करना क्या है, आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है. तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें. और जो मैंने पहना हुआ है अबाया, बहुत ही खूबसूरत सा, ये मारियाज कलेक्शन, उनका पेज भी लाइक कर सकते हैं. एंड वी आर एट किला बारबेक्यू वेजी टाउन फेस, वेन्यू पार्टनर जो हमारा इस शो के लिए है वो किला बारबेक्यू है. शोज़ की रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, बेसिकली ये कन्वर्जेशन है आप लोगों तक बात पहुंचाने के लिए. और आई एम वेरी एक्साइटेड कि जब शो लॉन्च होगा इंशाल्लाह 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 हर टॉपिक पे, हर चीज़ के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हर फील्ड ऑफ लाइफ से लोग आएंगे. और आई एम वेरी ग्लैड. आप लोगों को बस करना ही है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, इसको मैक्सिमम शेयर करना है इस वीडियो को, ताकि जब आप देखें शो को और आप सपोर्ट करें और फिर नेक्स्ट सीरीज़ के लिए हम तैयार रहें, नेक्स्ट सीरीज़ के लिए आप लोग भी तैयार रहें. कोई भी स्पॉन्सर, कोई भी वेन्यू पार्टनर, कोई भी गेस्ट अगर आपकी नज़र में है, कोई भी इंस्पिरेशन पर्सनैलिटी जिसको आप भेजना चाहते हैं, डेफिनेटली भेजने. बहुत सारे लोग आ गए, थैंक यू सो मच किरण असलम, थैंक यू सो मच अनम. चूँकि आई एम एट रिकॉर्डिंग, मुझे यहाँ पर अभी कुछ काम भी करना है, बाकी चीज़ें भी चल रही हैं तो चलती रहेंगी. आई थॉट कि मैं अपनी फेसबुक फैमिली को कैसे भूल जाऊं, मैं जल्दी से जो है ना आप लोगों को बता दूं कि चल क्या रहा है. तो बिल्कुल जी, आप लोग यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें, ब्रंच विद क्रंच बाय सबा सिकंदर के पेज पर जाएं, उसको लाइक करें. अपना कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, कोई गेस्ट आपको लगता है जिनको मुझे बुलाना चाहिए अपने शो में रिकॉर्डिंग्स के लिए, बिल्कुल मुझे मैसेज करें. हम उनको सेकंड सीरीज़ के लिए या बल्कि इस सीरीज़ में अगर कहीं एडजस्ट कर सकें तो हम उनको लाइन अप करें. आपकी नज़र में कोई भी अच्छा टैलेंट, कोई भी आर्टिस्ट है जिसको आप चाहते हैं कि मैं प्रमोट करूँ, शेयर करूँ, आप डेफिनेटली करेंगे. गेस्ट अभी जो आ रहे हैं मेरे शोज़ में जिनकी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं वो मैं बिल्कुल रिवील नहीं करूँगी, लेकिन सब आपके फेवरेट हैं, सब आपके पसंदीदा लोग हैं, सब वेल नोन लोग हैं जिनको आप जानते हैं और सब जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं. तो बिल्कुल अभी वो आएंगे और फिर उनसे बातचीत होगी. रिकॉर्डिंग आ रही थी मेरी गेस्ट की, सो आई हैव टू गो. आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे डन लिखिए, इसको शेयर कीजिए मैक्सिमम. और मुझे नेक्स्ट एपिसोड की रिकॉर्डिंग के लिए जाना है यार, शूट करना इज़ समथिंग डिफिकल्ट. लेकिन मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ बारबेक्यू फेस 4 का. आई जस्ट लव दिस प्लेस. बाकी आप लोग ब्रंच ये, दैट्स ऑल जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़. सो ही इज़ हियर. ये हैं जनाब जो लोग पिक्चर्स देखना चाह रहे थे, जो लोग मिलना चाह रहे थे कि कौन है, कहाँ है, क्या नाम है, किधर है. तो ये साहब हैं जी, यू कैन मीट हिम. और मैं भी बस अभी अभी मिली हूँ, सो दैट्स ऑल. बाय द वे, इससे तो मुझे अंदाज़ा हो गया है कि मुझे कितने इनविटेशन बनाने पड़ेंगे और कितना बड़ा मुझे कोई हॉल चाहिए. खैर, दैट्स ऑल जी. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे, लश्पश होंगे, टिप टॉप होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे. और आपने स्टार्टिंग की जो वीडियोस देखी हैं ये रिसेंट 2 दिन पहले की हैं, बट उसके अलावा जो है मैंने कहा काफ़ी अर्सा हो गया आपको वीकली व्लॉग नहीं दिखाया, इनफैक्ट डेली व्लॉग नहीं दिखाया, कोई वीडियो नहीं आई. तो आई थॉट मैं आपको बता दूं कि न्यू ईयर पे हुआ क्या था. ये विंटर कैंपेन हमने की थी, हमारे पास कुछ कपड़े मौजूद थे, विंटर वॉर्म कैंपेन हमने कलेक्शन की थी बहुत सारी और उसको हमने भी डिस्ट्रीब्यूट किया डिफरेंट इलाकों में, डिफरेंट लोगों तक पहुँचाई. लेकिन उसके साथ साथ हमने वॉल ऑफ काइंडनेस पे जो दीवारें मेहरबानी हैं वहाँ पे जाके भी हैंग किए, लटकाए, ताकि सर्दी उसके बाद वाकई में बहुत बड़ी लगी, 10-15 दिन में तो बहुत सर्दी थी. तो जो नया साल था वो हमने इस तरह से स्टार्ट किया था कि विंटर कैंपेन के जितने भी कपड़े थे वो फिल्टर आउट किए, फिर उनको क्लासीफाई किया और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया. ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये शूट पे मैं गई थी अपनी दोस्त के साथ,
और ये बेबी है, मेरी नीस है। और सुबह ड्रामा था, बाकी मैं रिवील नहीं करूँगी। फिर उसके बाद कवाली नाइट जाना हुआ अभी पिछले वीक। उसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें मिस हैं, लाइक शॉपिंग बहुत सारी करना और खैर कलाम पढ़े मैं बीच में नहीं बोलूँगी। हमने तो भूतराब को शेरे खुदा कहा, हमने तो भूतराब को शेरे खुदा।